अरे तो बोला था 20 रुपए लगेंगे, मैंने कब बोला, 40 रुपए बोला था मैंने, कितने हैं? 50 रुपए है? ला दे जल्दी, वो तो रहा बैंक। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज हम लोग आ चुके हैं निजामुद्दीन। निजामुद्दीन हम लोग ऐसी जगह पे आए हुए हैं जो बहुत ही बेस्ट और बहुत खूबसूरत जगह है। शायद आपको पता हो, शायद ना भी पता हो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली में रहता हूँ और मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता था। तो मुझे कल ही पता चला था, तो मैं यहाँ पर आज आ गया। काफ़ी खूबसूरत जगह है वैसे। बाकी चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई आज हम लोग आ चुके हैं एक बहुत खूबसूरत जगह पे, जिसका नाम है सुंदर नर्सरी और ये निजामुद्दीन में है। वैसे तो हम लोगों ने इसके बारे में नेट पे पता किया था, तो कल ही मैंने पता किया है। तो इसके जो चार्ज थे, विजिट चार्ज थे, टिकट लगती है यहाँ पे, जो इसके टिकट की प्राइस थी 40 रुपये, नेट पर मैंने देखा था, बट यहाँ पर आने के बाद पता चला मुझे 50 रुपये है। वैसे काफ़ी सही है। और पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है भाई यहाँ पे। पार्किंग का इशू ये है कि पहले से नॉर्मल डे पे आओगे 100 रुपये, और वैसे वीकेंड पे आओगे या फिर हॉलीडे पे आओगे तो आपको हॉलीडे पे आओगे तो आपको 200 रुपये पड़ जाएगी कार पार्किंग। बाइक की तो सेम रहेगी 35 ही 35, है ना? हाँ, बाइक की 35 है। जिस दिन हॉलीडे होगा उस दिन 200 रहेगा। हॉलीडे दिन वाले भाई कोई सा भी हॉलीडे हो, चाहे गेस्टेड हॉलीडे हो, चाहे वैसा हॉलीडे हो, तो भाई ये लोग ना मजबूर का फ़ायदा उठा रहे हैं। खैर कोई नहीं, वह चीज़ भी है, अच्छी है। ऐसी ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी आ गए बुरी जगह, ऐसी कुछ नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। वैसे यहाँ पे अंग्रेज भी आए हैं, बहुत शानदार है। वैसे मैंने पूरी चीज़ें भी दिखाई नहीं, आपको अभी पूरी चीज़ें दिखाऊंगा तो समझ में आएगा चीज़ें, और यहाँ पे आगे एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस सब चीज़ों को। तो फिर चलते हैं वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो भैया यहाँ आके मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे पहले पता नहीं था इस जगह के बारे में, नहीं तो मैं कब का अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ ज़रूर आया होता। ये लोकेशन विंटर के लिए एकदम परफेक्ट है, अपने बच्चों के साथ आउटडोर गेम भी खेल सकते हैं, और साथ में आप अपना पैट भी लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जहाँ पर आप बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो भाई जैसे कि आपने हर पार्क में देखा होगा कि हर जगह फाउंटेन होते ही होते हैं, कोपर फाउंटेन है। इस कोपर फाउंटेन से क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली नीचे एक मोटर लगी हुई है और ये पानी को ऊपर की तरफ लेके आ रहा है, और ये पूरा जो एक पूरा एक फाउंटेन है या आपको उसमें साइकिलिंग कर रहा है बेसिकली। एक हमने पानी का चैनल चलाया और ये अपने आप फिर वो पानी रिसाइकल हो रहा है, जैसे कि रिसाइकलिंग मशीन्स रिपीट हो रहा है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब कोई भी एयर ट्रेवल करते हैं इन पानी के थ्रू, तो वहाँ पे हमें एक कूल एयर थोड़ी सी फील होती है। ये एक्चुअल में पुराने टाइम में ये हमारे महलों में भी होता था या फिर किलों में होता था, फोर्ट्स में होता था। जो कूलिंग टेक्निक थी वो ये थी, इससे एक्चुअली एरिया हमारा ब्यूटीफाई तो होता ही होता है, और इसके अलावा हमारा जो टेम्परेचर है वो भी रिड्यूस होता है। ये पानी उधर से इधर आ रहा है ना, सारा इधर से आ रहा है, यहाँ से सीधा यहाँ तक, और ये बना हुआ है ना यहाँ पे जगह। हाँ, ये पानी यहाँ से डाउन जा रहा है, देन फिर पंप आउट होके फिर वहाँ से दोबारा पंप उठाता है, फिर से वापस यहीं। और एक यहाँ पे प्यारा सा कैफ़े भी है जहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं, और उसी के साथ में एक लेक भी है जो कि काफ़ी अच्छा व्यू देता है।
रेस्टोरेंट के साथ में। झूला झूल रहा क्या कर रहा है ये? ओ मैं गिर गिर बंदिए से। ये क्या कर रहा है ये? झूला झूल रहा है। इसका अलग सीन रहता है। कौन है काल्टी? तो ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।